मलाई पनीर में ना सॉफ्टनेस इतनी होती है कि आप जब फ्राई करते हैं तो वो सॉफ्ट ही रहता है, ये चीज़ याद रखिए। अगर आपने फ्रोजन वाला पनीर लिया तो थोड़ा सा बेहतर है, या स्टेल पनीर, पुराना पनीर, एक दिन पुराना, फ्रेश वाला, ताज़ा वाला पनीर बहुत सॉफ्ट होता है, दिक्कत होती है उसमें फ्राई करने के बाद खास तौर से, ठीक है। इसलिए मैं ये फ्रोजन वाला पनीर ले रहा हूँ। जब भी मैं ये पनीर के इस तरह से देसी चाइनीज स्टाइल में कुछ चीज़ें बनाता हूँ, मैं बैटर फ्राई नहीं करता हूँ, मैं सिर्फ कोट कर देता हूँ और उसी में थोड़े से मसाले डाल देता हूँ।